हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ वीर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो गर्भवती महिला है उनके लिए है। और सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि ये वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसने रिक्वेस्ट किया है वो मैं भी आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वही वीडियो शूट करती हूँ, वही इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जो ग्रहण के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सिमिलर होता है। शायद ही कहीं कहीं का थोड़ा बहुत जो विधि जो होता है वो चेंज होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट हर जगह का एक ही होता है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसी टॉपिक पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया था और क्या नहीं किया था, किस चीज को मैंने अवॉइड किया था। और टचवुड भगवान की कृपा से मैं और मेरा बच्चा हम दोनों ही स्वस्थ और हेल्दी है। और बाबू जब हुआ था उस टाइम पे भी वो बहुत हेल्दी था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। तो क्या मैंने किया था और कैसे मैं उस जो ग्रहण होती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, जो भी उनमें से तरंगे निकलती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। जो उनके पेट में पल रहे शिशु होता है उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उससे हमें कैसे बचना है, मैंने क्या किया था, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ओके गाइस, किसी रीजन से मुझे जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना पड़ा है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है खाना नहीं है, सोना नहीं है उस ग्रहण के दौरान, खाना नहीं है सोना नहीं है, नुकीली चीजों से दूर रहना है, कुछ भी काटा पीटी नहीं करना है, सुई धागा जैसे कि पेन जो भी चीजें आपको लगे कि नुकीली है उससे दूर रहना है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि जो प्रेगनेंसी के दौरान ग्रहण अगर जैसे कि आधा घंटा या एक घंटे का होता है तो हम रोक सकते हैं यूरिन को भी। अगर चाहे अगर हमारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो यूरिन को हम हाफ एन आवर तक रोक सकते हैं। खाना भी नहीं खा सकते हैं, पानी भी नहीं खा सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो ग्रहण मेरे टाइम पे लगा था 27 जून को लगा था 2018 में, वो बहुत जो लॉन्ग ग्रहण था, कम से कम 11 बजे से स्टार्ट हुआ था नाइट के और रात के 3-3:30 बजे समथिंग तक था। तो उस दौरान मैंने उन बीचों में क्या क्या किया है वो बताऊंगी आपको और क्या नहीं किया है। तो सबसे मेन चीज है कि वो आपको याद रखना है कि काटा पीटी सुई धागा ये सब चीजें नहीं यूज करना है। रही बात खाने की, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेटेड है, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आप बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, यूरिन पास किए बिना नहीं रह सकते हैं, या आपको बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, उनमें आपको सोना भी है, तो क्या क्या करना है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले सूतक काल जो होता है, सूतक समय होता है, वो स्टार्ट होने से पहले ही आप क्या करें, या वो सूतक समय स्टार्ट हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सूतक समय में ही वो काम कर सकते हैं। जो भी चीजें आपकी खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि सूतक काल जो होता है वो 12 घंटा 6 घंटा पहले ही स्टार्ट हो जाता है, तो उस दौरान अगर हम ये सब चीजें करें तो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें आपको ग्रहण के दौरान खाना है, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कॉम्प्लिकेटेड केस है और बहुत लॉन्ग ग्रहण होता है तो उस टाइम पे हम भूखे भी नहीं रह सकते हैं। तो उसमें आपको तुलसी के पत्ते को तोड़ के ले आना है, पहले ही सूतक काल से पहले ही आप तुलसी जी को भी जो छुए तो सूतक काल से पहले ही तुलसी जी से तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आए। हो सके तो तुलसी के टहनी भी आप छोटा सा तोड़ ले, अगर पॉसिबल हो तुलसी का गमला आप उठा सकते हैं तो वो भी उठा के अपने रूम में ले आइए, जहां जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। अगर आप गमला उठा के ला सकते हैं पॉसिबल है तो, नहीं तो आप किसी ग्लास में पानी भर के तुलसी का जो छोटा सा टहनी आप तोड़िएगा उसको रख के रख दीजिए। क्यों रखना है वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। तो जो भी आपका खाने पीने का चीजें है जो आपको खाना है ग्रहण के दौरान, उस सब में चाहे पानी हो, दाल सब्जी दूध जो भी है व्हाटएवर, उन सब में आपको तुलसी के पत्ता को रख के और अच्छे से ढक के अपने बेडरूम में रखना है,
खुले जगह में नहीं रखना है। कुछ भी चीजें जो आप खाएंगे उसके बाद जब ग्रहण लग जाती है तो आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। बाहर इन द सेंस घर के बाहर ही नहीं, आप छत पे नहीं जा सकते हैं, जो खुला आंगन होता है घर में वो भी नहीं, वहां पे भी आपको नहीं निकलना है। और जो विंडो वगैरह होता है उसको भी खोल के आपको ओपन करके नहीं देखना है, ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं देखना है, अगेन बोल रही हूं मैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको यूरिन पास करना है तो अगर आपके रूम से, बेडरूम से अटैच बाथरूम है तो ही जाए, लेकिन उसके बाद आप खुद को, मैंने जो किया था हम लोगों की तरह, मतलब कि खुद को नापा जाता है, मतलब कि आप जैसे अभी इस टाइम पे मैं मतलब बैठी हूं तो मैं खड़ी हो जाऊंगी और जो दीवार है दीवार के सहारे आप खड़े होके खुद को देख लीजिए कि आप कितने, मतलब आपके सर के बराबर, जितना आपका सर हो उतने बराबर पे आप एक लकीर खींच लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो लकीर खींच लीजिए, नहीं तो आप खुद के बराबर धागा नाप के कहीं पे कोई कील ठुका हो उस पे जाके उसको टांग दीजिए, या फिर कोई लकड़ी हो बड़ा सा जो आपकी खुद के आपके बराबर है उसको आप नाप के किसी कॉर्नर में खड़े कर दीजिए। उसके बाद आप सो सकते हैं। सोने के लिए भी मैंने जैसे कि बताया, अगर आपके केस में कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी है तो आप सो भी सकते हैं। सोने का मतलब ये आप पैर वगैरह फोल्ड करके नहीं सोना है, सोना है तो बिल्कुल स्ट्रेट होके सोना है, जैसे कि मैंने भी सोया था, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम तक जगना पॉसिबल नहीं है या फिर घूमते फिरते रहना पॉसिबल नहीं होता है, तो सो सकते हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट होके सोना है, पैर हाथ बिल्कुल फोल्ड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने टमी पे जो गेरू होता है, गेरू जानते होंगे आप लोग, गेरू को पेस्ट बना के उसकी लेप आपको अपने टमी पे लगाना है ग्रहण स्टार्ट होने से, तो उससे क्या होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा या फिर जो तरंगे है उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको गेरू आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप तुलसी का जो पत्ता है उसको भी पीस के आप अपने स्टमक पे लगा सकते हैं, और पूरे अच्छे से एक थोड़ा सा परत टाइप का, जो जैसे कि हम फेस पे फेस पैक लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपको परत बना के लगा लेना है। कोई भी फ्रूट्स जो पहले से कटा हुआ हो या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो पहले से ही मतलब कि जैसे कुछ चीजें होती है जो हम पहले खा लेते हैं और फिर रख देते हैं कि हम बाद में खाएंगे, फ्रिज में रखा हुआ होता है, उसको भी आपको नहीं खाना है। जो पहले से कटा हुआ हो आप बिल्कुल फ्रेश बना के उसमें तुलसी का पत्ता रख के जो आपको खाना है जैसे कि मैंने बताया अपने पास रख लीजिए। उसके बाद में बिल्कुल जो अवॉइड करनी है चीजें, बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है मोबाइल फोन। कई बारी ऐसा होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि टाइम पास ना हो, नहीं हो पाता है तो उसके उस रीजन में फोन को चला के सॉन्ग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, फोन को चला के लीड लगा लेते हैं कान में और फिर सुनते हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोबाइल से कितनी जो रेडिएशन निकलती है वो कितनी हार्मफुल होती है। वैसे भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको कम से कम ही मोबाइल का यूज करना चाहिए, बिल्कुल ही कम। ये चीज आपको डॉक्टर भी बताते होंगे, अगर नहीं भी बताते हैं तो ये चीजें मुझे बताई गई थी कि फोन की यूज बहुत कम करें, अगर करना भी है तो बहुत दूर फोन को रख के एयरफोन लगा के यूज करें, लेकिन ग्रहण के दौरान में बिल्कुल भी फोन को अवॉइड करना है। हो सके तो आप अपने बेडरूम से फोन को बिल्कुल बाहर रख दीजिए, स्विच ऑफ करके, अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो फोन को स्विच ऑफ करके खुद से बहुत दूर रख लीजिए, बेडरूम में ही रखना है तो आप बहुत दूरी पे फोन को रख दीजिए, ऑफ करके बिल्कुल भी फोन को टच नहीं करना है। आपके घर बेडरूम में अगर आपके साथ कोई भी है तो उनको भी मना कर दीजिए फोन ना चलाए। उसके बाद आपको मंदिर को, भगवान जी को नहीं छूना है, उनका पर्दा जो होता है वो बिल्कुल गिरा देना है भगवान जी की मंदिर का। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मतलब भगवान जी को पूजा पाठ वगैरह भी करने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको
मन में क्या करना है जिसको आप करके आपको टाइम का भी नहीं पता चलेगा, जो कि मैंने किया था। टाइम का कब निकल जाता है, टाइम पता भी नहीं चलता है ग्रहण के दौरान में, वो चीजें। ये थोड़ी सी मेरी कुछ खुद की पर्सनल टिप्स है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कोई अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था कि आप अपने बेबी से बात कर सकते हैं उस दौरान, कुछ भी अच्छी बातें, कुछ जो सॉन्ग आपको पसंद है वो गा सकते हैं, वो गुनगुना सकते हैं, भजन गुनगुना सकते हैं, अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पास होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो, एक छोटा सा मैसेज मैंने दिया है। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजी हूँ। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा। मैंने यही सब टिप अपनाई थी, तुलसी का पौधा अपने घर में रखी थी, उससे क्या होता है वो चीज मैं बताना भूल गई थी, तो सॉरी अब मैं बता रही हूँ। उससे जो नकारात्मक ऊर्जा, जो तरंगे होती है वो आपके आसपास नहीं आ पाती है। तुलसी एंटीबायोटिक होती है, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जब आप तुलसी जी को तरफ देखिएगा तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये मेरी एक फ्रेंड सब्सक्राइबर है जिनका अभी स्टार्टिंग का पीरियड है, वो अभी 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 जस्ट उनका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट है। तो इस टाइम, इस दौरान भी काफी ध्यान रखना होता है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।